ये धार जिले के कुक्षी थाना में एक प्रकरण कायम हुआ था 653/19 304A का, जिस पर जो है एक गाड़ी का एक्सीडेंट, पिकअप वाहन का एक एक्सीडेंट था, उससे संबंधित मामला था। ये विवेचना के दौरान पता हुआ कि जो मृतक है उसके नाम से दो और वाहन पंजीबद्ध हैं, एक स्विफ्ट वाहन और एक सेलेरियो वाहन। आगे जब पूछताछ में पता चला तो मृतक की पत्नी सजन बाई ने बताया कि ये जो जितने भी जो वाहन हैं ये सब खेमा जी के हैं। और आगे की पतासाजी में पता लगा कि जो मृतक जो है था, उसकी मृत्यु हो गई थी और मृतक का नाम था बाबलिया, पिता छगन। मृत्यु के बाद उसको 5,86,000 रुपये जो है पंजाब नेशनल बैंक में उसने सामान्य मृत्यु बीमा कराया था उसके मिले थे, जो कि उसकी पत्नी सजन बाई के खाते में गए थे। जो खेमा जी हैं उन्होंने सजन बाई के खाते से अपने ससुर और उनके साले के नाम पे जो राशि है वो उसको ट्रांसफ़र करवा लिया। जब ये सारी चीज़ें आई तो विवेचना के दौरान, 304A की विवेचना के दौरान इसमें जो है दो तीन धाराएं और बढ़ाई गई, 400-420 लगाई गई उसमें, और इसके अलावा 419, 420 और 471 और बढ़ाई गई, और इनके खेमा जी के साले और ये खेमा जी को भी उसमें आरोपी बनाया गया, सह आरोपी। इसके लिए खेमा जी ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई निचली कोर्ट से, और हाई कोर्ट से कैंसिल होने पे जो है उनके द्वारा 24 तारीख को JMFC माननीय न्यायालय कुक्षी में सरेंडर किया गया। उनके सरेंडर के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड चौकी प्रभारी नेसरपुर को दिया गया। जब वो यहाँ चौकी में पुलिस रिमांड में थे तो उस समय जो है चौकी प्रभारी निसरपुर और जो उनके FG नरेंद्र गर्ग के द्वारा इनको, इनके केस को रफा दफा करने के लिए इनसे रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत की मांग के दौरान 6 लाख रुपए में इनका लेन देन तय हुआ, और जब इनका जो रिकॉर्डिंग कराई गई तो उसमें भी नरेंद्र गर्ग के माध्यम से चौकी प्रभारी निसरपुर द्वारा 6 लाख रुपये की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। तभी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर द्वारा आज ट्रैप दल का गठन किया गया, और अभी लगभग जो है 4 बजे के आसपास इनके FG नरेंद्र गर्ग को हमने सिलकुआ रोड पे 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और अभी हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और IPC 120B के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। हो गया नंबर, नोट हो गए क्या? हाँ सर, आ रहा हूँ।